हेलो फ्रेंड्स आपण को स्वागत फ्रेंड्स गत गतकाली र गप शेष पचार तिनटी प्रश्न र सठिक उत्तर दिनज नाम होला फास्ट परी सेकंड रोजालीन साहू एंड थर्ड लेलिन विश्वाल लिली सो फ्रेंड्स आम न्यु टुइस गफ शेष आपण म पचारि तिनटी प्रश्न एनोटि प्रश्न र सठिक उत्तर दि पान नाम आम परवर्ती गफले लेखाहो सो फ्रेन्डस् आपण को ती ती so friends, माने मा वीडियो फास्ट रु ला पर्यन्त देखतु ए शेष पचरा उत्तर भी लेखा हबो सो स्टार्ट टूडे स्टोरी कृष्ण जन्म मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा थे उनका पुत्र कंस बहुत अत्याचारी था आपने पिता को गद्दी से उतार कर वह स्वयं राजा बन बैठा और अपने पिता को कारागर में डाल दिया कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम देवकी था कंस देवकी से बहुत प्यार करता था देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ था देवकी को उसकी ससुराल छोड़ने के लिए कंस स्वयं जा रहा था रास्ते में आकाशवाणी हुई हे hey, कंस जिस बहन को तू इतने प्यार से छोड़ने जा रहा है उसी के आठवें पुत्र द्वारा तू मारा जाएगा आकाशवाणी सुनकर कंस ने शान से अपनी तलवार निकाल ली और देवकी को मारना चाहा। वासुदेव ने कंस को समझाया कि तुम्हें इसके पुत्रों से भय है इससे तो कोई भय ही नहीं मैं वचन देता हूँ कि इसके सभी पुत्रों को मैं तुम्हें सौंप दूंगा यह सुनकर कंस ने देवकी को छोड़ दिया और देवकी तथा वासुदेव दोनों को कारागार में बंद कर दिया कारागर में जब भी देवकी किसी पुत्र को जन्म देती है तो कंस उसको एक पत्थर पर पटक कर मार डालता इस प्रकार कंस ने देवकी के सात पुत्रों को मार डाला और आठवें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में हुआ कृष्ण का जन्म होते ही कारागार के फाटक स्वयं खुल गए तथा सभी पहरेदार सो गए उसी समय एक आकाशवाणी ने वासुदेव और देवकी को बताया इस बालक को गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुंचा दो और वहां से उनकी कन्या ले आओ और कंस के मांगने पर उस कन्या को दे देना अंधेरी रात थी बड़े जोर से वर्षा हो रही थी लेकिन बासुदेव पुत्र की रक्षा के लिए गोकुल चल पड़े यमुना नदी पार कर वासुदेव नंद घर के पहुँचे उनके घर के दरवाजे खुले थे वासुदेव ने यशोदा की कन्या उठाकर कृष्ण को वहाँ लेटा दिया और मथुरा आते ही कारागर के फाटक बंद हो गए और वह कन्या रोने लगी सभी पहरेदार जग गए उन्होंने कंस को जाकर सूचना दी कंस ने आकर उस कन्या को देवकी की गोद से छीन लिया और जैसे ही पत्थर पर पटकना चाहा वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी के रूप में प्रकट होकर बोली अरे मूर्ख कंस तू मुझे क्या व्यर्थ ही मानना चाहता है तुझे मानने वाला कोई और है और वह ब्रज गोकुल में पैदा हो चुका है वही तेरा काल है तू उससे नहीं बच सकता सो फ्रेंड्स गोपत सारी गला क्वेश्चन टाइम प्रथम प्रश्न कंसर पिता का नाम कौन कणला द्वितीय प्रश्न দেবকি কাহাঙ্গ গো বিবাহ করতিলে এবং কৃষ্ণ তাকর কেইটি নম্বর পুত্র থিলে এবং শেষ তৃতীয় প্রশ্ন কৃষ্ণ গৰম মাতা কিয়ে থিলে